नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सब देखते हैं कि घड़ी के कांटे बाएं से दाएं ओर ही चलते हैं। यदि वे उल्टी दिशा में भी चलने लगे तो वे टाइम नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। घंटे और मिनट की संख्याएं अगर घड़ी पर उल्टी दिशा में भी चलती दिखाई दे फिर भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके पीछे के रीज़न के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हम जानते हैं कि दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, लेकिन इसके बाद कितना टाइम पास हुआ है ये समझने के लिए सबसे पहले सैंड वॉचेस तैयार किए थे। लेकिन उसकी मदद से पूरे दिन का टाइम जानना हो तो हमें विशाल रेत की घड़ी बनानी पड़ती, जो कि एक आसान काम नहीं था। फिर गांव के बीचों बीच एक लंबा खंबा खड़ा कर उसकी शैडो नापने की आइडिया को यूज किया। इस आइडिया का यूज सबसे पहले इजिप्ट में किया गया। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस आइडिया का यूज कर टाइम को जाना जाता था। सनराइज के वक्त खंबे की शैडो दूर दूर तक फैली हुई रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे शैडो की लंबाई कम होती रही। दोपहर के वक्त शैडो स्तंभ के पास ही झुकी रहती थी और सूर्यास्त के वक्त खंबे की शैडो फिर से दूर फैल जाती थी। शैडो की लंबाई से फिर कितना समय बीत गया है यह पता करते थे। जैसे कि हम जानते हैं सूरज पूरब की तरफ निकलता है, तो सीधी बात है कि खंबे की शैडो पश्चिम की ओर पड़ेगी। फिर वह शैडो दिन भर में पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह होती है, मतलब वे बाएं से दाई ओर मुंह होती है। तो इसी आइडिया के बेसिस पर हमारी आज की घड़ी बनाई गई है।